हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज काउंटिंग फिगर्स में देखेंगे कि ट्रायंगल्स की सबसे पहले कैसे काउंटिंग की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग एक टाइप वन पे चलेंगे और इस टाइप वन में हम लोग देखेंगे कि काउंटिंग कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे ये ट्रायंगल है आपका, इसमें तो टोटल आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें हमने लंबवत इस तरीके से लाइन कर दी है ना, इस तरीके से, तो आप देखो इसके पार्ट कितने बन गए, वन और टू पार्ट बन गए। आप क्या करोगे, इन पार्ट की संख्या को ऐड कर दो, वन प्लस टू बराबर कितना आ जाएगा, यही आपके ट्रायंगल की संख्या हो गई। कैसे, देखो ये हो गया आपका एक ट्रायंगल, एक ये हो गया आपका दो, और ये हो गया आपका बड़ा वाला, कितने, तीन हो गए। आइए आगे इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। देखिए जरा, देखिए यहां पर कितने पार्ट हुए हैं, एक दो तीन चार। तो आइए इनको जोड़ लेती है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर बराबर चार, तीन सात, दो नौ और एक दस। तो यहाँ टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर टोटल हो जाएंगे हमारे 10 त्रिभुज। आइए इस वाले में देखते हैं कि इसी ट्रिक को इस्तेमाल करके कि कितने आते हैं त्रिभुज, एक दो तीन चार पांच छ, ऐड कर ले, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स। तो आप देखिए यहां पर एक दो एक तीन 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 छः चार दस पाँच पंद्रह और छः 21। तो हमारे कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 कुल त्रिभुज बराबर क्या आ जाएंगे हमारे, 21, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं, इसके एक और टाइप देखते हैं और फिर इनको कैसे अपने बड़े प्रश्नों में इस्तेमाल करेंगे ये भी सीखेंगे। तो इसके बाद में अगर हम देखें, ये है। अब एक दूसरा टाइप आएगा जिसमें क्षैतिज रेखाओं पर आधारित हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या है, जैसे कि ये त्रिभुज है, इसमें मैंने बताया कितने हैं, इसमें तो सिर्फ एक ही त्रिभुज है आपका। अब मान लीजिए इस त्रिभुज में इस तरीके से लाइन बना दी जाए, तो आपको करना क्या है, जब भी इस तरीके से लाइनिंग हो तो इस त्रिभुज में आप ये देखो कि टोटल क्षैतिज लाइन कितनी है, यानी ये वाली ऐसी, ये किस तरीके से, देखो एक तो ये है, ये हो गई एक, और एक हो गई ये, दो हो गई, बस जितनी क्षैतिज लाइन उतने ही इसमें त्रिभुज होंगे। आप गिन भी सकते हो, देख सकते हो, देखो एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ठीक। यहां देखो क्षैतिज लाइन कितनी है, एक दो तीन, तो यहां कुल त्रिभुज की संख्या तीन। यहां देखिए एक दो तीन चार, त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी, चार। यहां पर एक दो तीन चार पांच छ, तो कुल त्रिभुजों की संख्या छ, यानी जितनी क्षैतिज रेखाएं उतनी त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, अब आइए देखिए इनकी सहायता से आगे क्या होता है। अब देखो, अब इसमें लंबवत भी है और आपकी क्षैतिज भी है, इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान देना जरा एक बात, अगर आप सिर्फ इसमें इस चीज को देखें कि यह जो डायग्राम हमारा है, सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को देखें और ये पार्टीशन, ठीक है, यह कुछ इस तरीके का था ये, और इसमें मैंने कहा था आपकी आप पार्टीशन कर लोगे और नंबरिंग कर दो वन टू, और इनके नंबर, इनके पार्ट्स को आप ऐड कर दो तो वही संख्या हो जाएगी बराबर
तीन, और ऐसा ही इसमें फिर से ये ऊपर बना हुआ है, और इसमें भी वही बात आ जाएगी। तो क्या करोगे आप कि इसमें बेस में नंबरिंग कर दो, एक दो जोड़ लो इनको, कितने हो गए, यहां कितने हो गए आपके, एक प्लस दो बराबर तीन। अब आप क्या करोगे कि जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, जैसे एक क्षैतिज रेखा एक और दूसरी क्षैतिज रेखा ये दो, इनकी गुणा कर दो इससे, बराबर कितने आ गए, छह। ठीक, कैसे, देखो ये रहा आपका एक ट्राइंगल एक, फिर ये रहा आपका दो, ये बड़ा वाला तीन, ठीक ठीक। अब देखो ये एक रहा आपका चार, ये रहा एक पांच, ये रहा छ, ठीक है। अब यहां देखो, यहां काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, एक दो तीन चार, तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, एक दो तीन, तीन तीन छह चार दस। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे क्षैतिज रेखा कितनी है, एक क्षैतिज रेखा ये और एक क्षैतिज रेखा ये दो, बस इसकी गुणा कर दीजिए, बराबर आ जाएगा आपका बीस, ये उत्तर। अब देखो यहां देखो, एक दो तीन चार, इनको टोटल कर लिए हम लोग, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, बराबर कितना आएगा, दो एक तीन, तीन छह चार दस। अब क्षैतिज रेखा कितनी है, एक दो तीन चार, आपके टोटल ट्राइंगल हो जाएंगे इसमें बेटा चालीस, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखो वही चीज में करेंगे, वन टू थ्री फोर, इसका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दस, दो एक तीन, तीन तीन छह चार दस, और हमारी क्षैतिज रेखा कितनी है, एक दो तीन चार पांच इंटू सिक्स, बराबर आपका साठ। आइए चलते हैं, एक और लेते हैं टाइप, ये देखिए टाइप फोर है। अब जैसे अगर कोई भी स्क्वायर शेप्ड हो आकृति ये, तो इसमें तो कोई भी आपको ट्राइंगल नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें इस तरीके से पार्टीशन कर दो, अगर आप देखो एक और दो, दो ट्राइंगल बनते हैं। लेकिन अब अगर आप इसके आगे बढ़ो, जैसे कि यहां पर इसमें कितने हैं, देखो वन टू, टोटल कितने बन गए, दो। लेकिन अब इसमें देखना, जैसे कि एक दो तीन चार, चार तो ये ट्राइंगल दिख रहे हैं, लेकिन देखो चार के बाद ये पांच, ठीक, फिर ये है आपका एक छह, फिर देखो ये है आपका सात, और ये है आपका आठ, ठीक है। तो अब इसके इससे ज्यादा अगर पार्ट होते हैं तो क्या, नंबरिंग कर दो, वन टू थ्री फोर, और कितने पार्ट बने इसमें, टोटल चार, इसका दो गुना, बस यही आपका आंसर। कैसे, देखो याद रखो, एक दो तीन चार पांच छ, छ का दो गुना बराबर बारह, आप गिन भी सकते हो, गिनोगे तो मिल जाएगा। यहां देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, तो टोटल पार्ट कितने, आठ, दो गुना कर दीजिए, आपके टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी आ जाएगी, सोलह। चलिए आगे देखें, अब इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करें। देखिए सबसे पहले अगर आप देखो इस वाले को देखें आप, तो ये
यह वाली आकृति है, यह भी यही है और यह भी यही है, ठीक। अच्छा अगर आप इस वाले को देखें, यह आकृति ये वाली है, अब आप जानते हो इस वाले में पार्ट कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, मैंने बताया था आपको स्क्वायर शेप में जितने पार्ट उसका दोगुना यानी 8। तो बेटा 8 तो आ गए इसमें, 8 आ गए इसमें। इस वाले में बताया था आपको लंबवत रेखा में 1, 2 इन्हीं की संख्या को जोड़ दो, यानी कि बेटा 3 आ गए इसमें, 3 आ गए इसमें, 3 आ गए इसमें। लेकिन हम ये भी देखें कि कुछ ऐसे बने होंगे त्रिभुज जो छुपे हुए होंगे, जैसे ध्यान से देखो यहां पर आप देखो ये जो है ये एक बड़ा त्रिभुज, ये हमारा छुपा हुआ था एक, और ऐसे ही ये बेटा देखो एक ये छुपा हुआ था, दो बेटा ये हो गया, ठीक। और देखिए एक बड़ा सा त्रिभुज ये आप नहीं देख पाए होंगे, ये वाला ऐसे ही इस तरफ भी ये है, तो दो त्रिभुज ये आपके और बढ़ जाएंगे। तो देखिए आइए जोड़ लेते हैं, 3 + 8 + 3 + 8 + 3 = 2 बराबर, तो 3 8 3 11 3 14 और 8 आपके 22 और 3 25 227 और 2, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 29, ठीक है। वही चीजें जिन जिन चीजों को हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा और उसको यूज किया। आइए और देखते आगे, अब ये टाइप 5 है, इसको देखो और समझो कितनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगा इसमें, एक बार में कर दो। देखो जब कभी भी कोई ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा ट्रायंगल बने जो बाहर वाले ट्रायंगल के तीनों भुजाओं को टच करे, देखो यहां टच कर रहा, यहां टच कर रहा और यहां, तो याद रखना कि अंदर जो है कुल 4 ट्रायंगल बनेंगे, 1, 2, 3, 4 और बाहर ये बड़ा वाला, ये बात को ध्यान से समझो, तो कुल कितने हो गए यहां 5। फिर सुनना, किसी बड़े ट्रायंगल के अंदर अगर कोई अंदर एक बन जाए तो इस बड़े ट्रायंगल के अंदर कुल 4 होंगे, 1, 2, 3, 4 अंदर 4 होंगे, और बाहर वाला ये बड़ा वाला एक और मिला लो तो कितने हो गए 5, यानी कि इसमें कुल हो गए कितने 5। अब देखना इसका इस ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल ये है, यानी इस ट्रायंगल के अंदर इसके अंदर कुल कितने बनेंगे 4। ये वाला ट्रायंगल जो है ये इसको टच कर रहा है, तो इसके अंदर भी कितने मिल जाएंगे हमको, यहां 1, 2, 3, 4
फिर से देखिए ध्यान से, देखो देखिए, मैं कह रहा हूं कि आपका ये ट्रायंगल है, आपने इसमें ये बनाया बेटा और इसके अंदर एक बना दिया, तो जाहिर सी बात है इस वाले में चार हो जाएंगे और इस वाले में भी चार हो जाएंगे। तो बेटा चार यहां और चार यहां, चार चार आठ और एक ये बाहर वाला, कुल कितने हो गए? नौ। अब देखो, अब कुछ नहीं करना, हम सिर्फ देखेंगे इसके इस बड़े वाले के अंदर कितने ट्राइंगल हैं, एक दो तीन। पर अगर एक ट्राइंगल जो है, एक ट्राइंगल बनाता है कुल चार, तो तीन ट्राइंगल कितने बनाएगा बेटा? बारह। बारह अंदर हो गए प्लस बाहर वाला ये बड़ा वाला, ये ठीक कितने हो गए हमारे? तेरह। आइए इसको सॉल्व करें, कितने अंदर बने हुए, इस बड़े वाले के अंदर कितने ट्राइंगल बस, ये देखो एक फिर ये दो फिर ये तीन और ये छोटा सा अंदर चार, चार। एक ट्राइंगल अगर अंदर है तो बनते हैं कुल चार, और चूंकि चार अंदर है इसलिए बनेंगे बेटा सोलह और एक ये बाहर वाला प्लस वन बराबर सत्रह। तो स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक्स कैसी लगी। इसके बाद में मैं और आपको बता दूं, अभी मैं स्क्वायर पर बेस्ड, सर्किल पर बेस्ड और रेक्टेंगल पर बेस्ड भी काउंटिंग फिगर्स के बनाऊंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाला वीडियो लेक्चर कैसा। ओके, थैंक यू।